Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. आज के बजट में कुछ घोषणा गरीबों को ध्यान में रखकर भी की गई। उड़ान योजना के तहत 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें। गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। जेटली ने कहा, 1,00,000 ग्राम पंचायतें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ी जाएंगी। सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हर 5 साल में इस कानून की समीक्षा होगी। 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी। गोल्ड के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी। इस नीति से गोल्ड लाने और ले जाने में आसानी होगी। सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018 से 19 में 80,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में इजाफा किया जाएगा। एयरपोर्ट क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वह हर साल 1 बिलियन ट्रिप्स को हैंडल कर सके। हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने के लिए लोगों को वडोदरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया है। इसके साथ ही 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर को चुना गया है, जिन पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए स्किल केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है। अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56,619 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 रुपए खर्च किए जाएंगे। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा पुनरुद्धार के लिए 187 प्रोजेक्ट को स्वीकृति किया गया है। हर 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। GST और नोटबंदी के बाद MSME क्षेत्र का जन औपचारीकरण हो रहा है। वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। शिक्षा पर लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार को 5 लाख सालाना दिए जाएंगे। 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा हेल्थ बीमा, जिसमें कि हर परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। हमारा लक्ष्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लाना है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए RTE के तहत लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षित किया जाएगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था, अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और UP की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड। गांव में 22,000 हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा, GST लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई। नोटबंदी के चलते कैश करेंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना देने का ऐलान किया गया है। नया ग्रामीण बाजार E-NAM बनाने का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, साल 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करेंगे। इस साल 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। देश में 86% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा। किसी उत्पाद की कीमत MSP से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।